हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले लोग। और अगर लखीमपुर में वो कोई एजुकेशन कर रहा है, कोई अपनी मांग रख रहा है, तो उसको गाड़ी से कुचल दिया जाता है। ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, ये तो मुगल ने भी नहीं किया था, ये तो शायद हिटलर ने भी नहीं किया था। कि अन्न दाता जो अन्न देता हो आपको, जो अनाज उगाता जो आपको खाना देता हो उसको कुचल दो, ये तो कभी नहीं किया था हिटलर ने। योगी सरकार पर हिटलर शाही का आरोप लगाने वाले ये हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर, जो कि बलरामपुर से दो बार सांसद रह चुके हैं, मगर इन दिनों रिजवान जहीर एक हत्या मामले में जेल की हवा खा रहे हैं। जेल में बंद होने के बावजूद रिजवान जहीर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। NSA की ओर से एक कॉपी जेल में बंद रिजवान जहीर को तामील कराई गई है। कुख्यात अपराधी रिजवान जहीर, जो कि हत्या एवं गैंगस्टर के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में नियुक्त है, विगत कई दिनों से जेल से बाहर आने का प्रयास कर रहा था और उसके बाहर आते ही अपराध कारित किए जाने और लोक व्यवस्था भंग होने की आशंका के दृष्टिगत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 और धारा 2 के अंतर्गत उनका दिनांक 28 मई को। आपको बता दें कि रिजवान जहीर, उनके दामाद और बेटी पिछले 5 महीने से जेल में बंद हैं। तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या मामले में तीनों आरोपी हैं। हालांकि बेटी जेबा रिजवान को जमानत तो मिल गई है, मगर अभी तक जेल से रिहाई नहीं हुई है। आप पर ये हत्या का अवसर कुछ कहना चाहेंगे, हत्या का आरोप लगा हम लोग बिल्कुल बेकसूर है, हमें फ्रेम किया जा रहा है और परिवार हम लोगों के खिलाफ साजिश हुई है और हम लोग इसमें बिल्कुल बेकसूर है। हम कुरान उठा सकते हैं, रमीज जी को बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई इन्वॉल्व नहीं है, मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरे फादर कोई प्रूफ नहीं है मेरा, राजनीतिक है षड्यंत्र। बता दें कि रिजवान जहीर योगी सरकार के माफियाओं वाली लिस्ट में शामिल हैं और इसी को लेकर लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलरामपुर से सलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।